क्या आप फ्री में बिजनेस कंसल्टेंसी चाहते हैं? क्या आप अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं और इसमें आपकी मदद करेगा आपका कस्टमर? हाँ जी, कस्टमर को बनाइए कंसल्टेंट। कैसे बनाना है, आगे वीडियो देखते रहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक रणावरे, लीडरशिप रिसोर्स कोच और कॉर्पोरेट प्रोटिस्ट। आज आपको एक बेहतरीन टिप पे बिजनेस की देने वाला हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आपका बिजनेस है तो बेहतरीन कस्टमर्स आपके पास होंगे, बहुत सारे कस्टमर्स आपके पास होंगे। देखिए, कस्टमर्स दो किस्म के होते हैं, एक होता है इंटरनल कस्टमर और दूसरा होता है एक्सटर्नल कस्टमर। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर होते क्या है, इनको जानते हैं। आपको तो शायद छोटा कस्टमर, बड़ा कस्टमर, हाई स्पेंडिंग कस्टमर, लो स्पेंडिंग कस्टमर, अच्छा वाला कस्टमर, किरकिरा कस्टमर, ऐसे शायद कस्टमर्स पता होंगे। लेकिन मैनेजमेंट के हिसाब से दो कस्टमर्स होते हैं। एक कस्टमर होता है आपका इंटरनल कस्टमर, ये वो कस्टमर है जो आपसे पैसे लेता है। यस, ये वो कस्टमर है जो आपसे पैसे लेता है। सैलरी हो सकती है, कमीशन हो सकता है, वेंडर लोग आपसे पेमेंट लेते हैं, ये सारे लोग जो है वो जो आपसे पैसे लेके जाते हैं, ये है आपके इंटरनल कस्टमर्स। और एक्सटर्नल कस्टमर वो कस्टमर है जो आपको पैसे देते हैं, यानी आप कोई प्रोडक्ट को बेचते हैं, कोई सर्विस देते हैं, या कोई कंसेप्ट को बेच रहे हैं, आइडियाज दे रहे हैं, कंसल्टेंसी सर्विस को प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी आपकी ये एक्सटर्नल कस्टमर्स जो आपको पैसे देते हैं। सो दो डिविजन हो गए कस्टमर्स की। एक कस्टमर बेस जो ऐसा है जो हमसे पैसे लेके जाता है, सैलरी, कमीशन, वेंडर पेमेंट्स, प्रोडक्ट पेमेंट्स वगैरह सारी। और दूसरा एक्सटर्नल कस्टमर जो हमें पैसे देता है, यानी हमारी सेल्स की फिगर को बढ़ाता है। माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके बेहतरीन कंसल्टेंट हो सकते हैं। कभी आपने सोचा है कि आपका कस्टमर आपके बिजनेस को आपसे भी बेहतर जान सकता है, क्योंकि ये आपके आइडियाज, प्रोडक्ट, सर्विसेज को इस्तेमाल करता है, महसूस करता है, इसका फीडबैक इसके पास काफी सारा अच्छा होता है। इंटरनल कस्टमर्स आपके वेंडर्स हो सकते हैं, आपके एम्प्लॉइज हो सकते हैं, आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, ये सारे लोग आपसे एसोसिएट है, आपके बिजनेस के साथ जुड़े हुए हैं, ये आपके बिजनेस को डे टू डे मॉनिटर कर रहे हैं। तो देखिए, इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स को कुछ हमको सवाल पूछने हैं। आप कोई कोई ऐसी स्कीम बना सकते हैं, रिवॉर्डिंग स्कीम बना सकते हैं आपके इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स को। एक क्वेश्चनरी आपको तैयार करनी है और ये क्वेश्चनरी में सिर्फ तीन सवाल होंगे। और ये क्या सवाल है, इन सवालों के जवाब वो प्रिंटेड मैटर में आपको देते हैं। आप अपने काउंटर पे रख सकते हैं, फैक्ट्री में रख सकते हैं, शॉप में रख सकते हैं, गोडाउन में रख सकते हैं, आपके फ्रेंचाइजी को दे सकते हैं। जहां पे भी आपके इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स आपसे मिलते हैं, वहां पे एक चिट बना के आप इसको छोड़ सकते हैं, स्लिप बना सकते हैं, जिसमें तीन सवाल होंगे। ये तीन सवाल कॉमन होंगे सबको, जो उनको रिटर्न में देने हैं। इनके मोबाइल नंबर्स, कॉन्टेक्ट डिटेल्स, ईमेल आईडीज वगैरह सारी चीजें आपके पास आएगी। और इन तीन सवालों के जो जवाब आपके पास आएंगे, तो ये बहुत सारा बड़ा डेटा होगा जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को एनालाइज कर पाएंगे। क्या मैं सही जा रहा हूँ, सही दिशा में जा रहा हूँ, मैं कुछ गलत चीजें कर रहा हूँ, क्या मैं कुछ अच्छी चीजें अपने बिजनेस में कर रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैं और बेहतरीन तरीके से कर सकता हूँ। देखिए, आपके पास आने वाला कस्टमर शायद 10 दुकान जाके आया है, शायद वो 10 अलग अलग जगह पे कस्टमर या क्लाइंट रह चुका है, और वो आपसे आके नाता जोड़ता है, आपसे आके बिजनेस में कुछ डील करता है। वो इंटरनल कस्टमर भी हो सकता है, शायद एक ऐसा एम्प्लॉई है जो चार जगह पे अलग अलग अपना करियर को आजमा चुका है, बिजनेस में वो अलग अलग जाके जॉब कर चुका है। आपके वेंडर्स जो आपको प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं, वो काफी सारे लोगों को और प्रोडक्ट सप्लाई करते होंगे या बिजनेस को सप्लाई करते होंगे, यानी ये लोग आपके जैसे काफी सारे बिजनेसमैन के साथ डील कर चुके हैं। और वो एक्सटर्नल कस्टमर जो ऑलरेडी किसी के ग्राहक रह चुके हैं, वो भी आपके पास जब आते हैं, तो उनके पास भी काफी सारे अलग अलग बिजनेसमैन के फीडबैक्स है, बिजनेसेस के फीडबैक्स से, प्रोडक्ट्स के फीडबैक्स से। क्यों ना इसको हम एनकैश करें। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक आसान तरीका आपको बताता हूँ। एक सिंपल सा क्वेश्चनरी आपको बनाना है, जिसमें आप पहला सवाल पूछेंगे कस्टमर को, या इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, कोई भी कस्टमर हो सकता है, दोनों को पूछना है आपको। पहला सवाल आप ये करेंगे उनको, कौन सी ऐसी चीजें है जो अभी हम अपने बिजनेस में कर रहे हैं और वो करते रहने चाहिए, बिकॉज अभी हम ऐसे कुछ अच्छी अच्छी चीजें कर रहे हैं, यानी व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग नाइस, व्हिच वी आर डूइंग गुड, वी शुड कंटिन्यू डूइंग। ऐसे लोग आपको समझाएंगे कि सर, ये आप अच्छी चीजें कर रहे हैं, इसको करते रहना है, आप स्टाफ की ट्रेनिंग लेते हैं सर, बहुत बढ़िया है, आप वेंडर्स की भी ट्रेनिंग करते हैं, ये बहुत बढ़िया है, इसको कंटिन्यू रखना सर, कभी इसको खत्म नहीं करना, कभी इसको बंद नहीं करना, आप बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हो, आप क्रेडिट की फैसिलिटी दे रहे हो, तो ये कस्टमर चाहेंगे कि आप इसको बरकरार रखिए, यानी कीप दिस डूइंग कंटिन्यूअसली, इसको बंद नहीं करना, ये पहला चीज हो गया। व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी शुड कंटिन्यूअसली डू,
वी शुड नॉट स्टॉप डूइंग इट। अभी सर ये तो अच्छी बात हो गई, अभी ऐसी कुछ चीजें होंगी जो बाकी आपके कॉम्पिटिटर्स करते होंगे और आपका कस्टमर आपसे अपेक्षा रखता होगा और ये आप चीज नहीं कर रहे हो। सो दूसरा मेरा ये सवाल है जो आप उनसे पूछेंगे, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू शुड स्टार्ट डूइंग, यानी ऐसी चीजें जो आप अभी नहीं कर रहे हो वो आपको शुरू करनी है। शायद आप रिफंड पॉलिसी नहीं करते हैं, एक्सचेंज फैसिलिटी नहीं आप देते हैं, करेक्ट, या प्रोडक्ट की गारंटी आप नहीं देते हैं। ऐसा होता है कि प्रोडक्ट काउंटर से निकल गए तो दोबारा हमारा आपका कुछ लेन देन नहीं है, दोबारा हम कुछ जो आपकी बात नहीं सुनेंगे, इससे गलत बात है। तो कस्टमर चाहती कि आप रिफंड पॉलिसी, एक्सचेंज पॉलिसी रखे, क्रेडिट की फैसिलिटी दे, करेक्ट ना। तो आपको ये शुरू करना है, आपके शायद अभी स्टाफ को ड्रेस कोड नहीं है तो दिखने में बहुत बढ़िया नहीं लगता है वो, तो कुछ लोग आपको ये सजेस्ट करेंगे सर आप इसको चालू करिए ड्रेस कोड। हॉस्पिटल शायद आप अपने कस्टमर्स को चाय कॉफी नहीं पूछते, शायद आप अपने इंटरनल कस्टमर्स यानी स्टाफ को शायद अच्छी फैसिलिटी नहीं देते, लीज फैसिलिटी नहीं देते, शायद इनको कुछ प्रोविडेंट फंड्स की फैसिलिटी नहीं देते, उनको पेरोल के हिसाब से आप सैलरी नहीं देते, तो ये चाहते हैं कि आप ये शुरू करें, करेक्ट है। सो पहला मेरा सवाल था व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू शुड कंटिन्यू डूइंग, आपको करते रहना है। दूसरा मेरा ये सवाल था व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू शुड स्टार्ट डूइंग, यानी अभी आप वो नहीं कर रहे हो, बट ये बेहतरीन तरीके से बहुत जगह पे होता है, लोग आपसे अपेक्षा करते, कस्टमर आपसे अपेक्षा करते, सो व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू शुड स्टार्ट डूइंग। तीसरा और अंतिम सवाल आप उनसे ये पूछेंगे, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच वी शुड स्टार्ट डूइंग इमीडिएटली, यानी कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो हमारे से गलत हो रही है, जाने अनजाने में शायद ये चीजें हो रही, लेकिन ये गलत चीज हो रही। कभी कभी बहुत बार ऐसे होता है कि हम इन चीजों को जानते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, लेकिन हम शायद इसकी मात्रा को नहीं समझते, इसकी इंटेंसिटी को नहीं समझते और हम करते रहते हैं, क्योंकि काफी दिन से हम कर रहे हैं, काफी साल से हम इस चीज को कर रहे हैं। बट यस, कस्टमर इसको नोटिफाई करता है, नोटिस करता है, इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, ये जानता है कि ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। सो व्हाट आर दोस थिंग्स व्हिच यू शुड स्टॉप डूइंग इमीडिएटली, शायद ऐसी चीजें हैं जो आप नहीं करना चाहिए वो आप कर रहे हो, वो कस्टमर्स आपको ये सारी चीजें बताएंगे। मेरे फ्रेंड्स, इसमें आपको कुछ करना नहीं, आपको दिमाग को लगाना नहीं, आपको खाली तीन सवाल उनको लिख के देने हैं, स्लिप पे प्रिंट आउट करके उनको बांटना है, इनको एक शायद आप एक अच्छा रिवॉर्ड भी दे सकते हैं, कुछ अच्छा इंटरनल कस्टमर्स को आप सैलरी वाले जो कस्टमर्स है या कमीशन वाले कस्टमर्स है या वेंडर्स है इनको भी आप ऐसी कोई ना कोई गिफ्ट स्कीम रख सकते हैं कि आप इसको भर देते हैं तो पूरे महीने में जितने भी हमारे पास आएंगे उसमें से हम आपको लकी ड्रॉ निकालने वाले हैं। और जरूर आपको एक चीज भी करनी है, अगर मान लीजिए ये लोग आपको फीडबैक फॉर्म भर के देते हैं, इस क्वेश्चन को देते हैं, तो जरूर उनको एक्नॉलेज करिए, उनको थैंक यू नोट बोलिए, उनको थैंक यू नोट भेजिए, ईमेल से हो सकता है, व्हाट्सएप पे हो सकता है, एसएमएस से हो सकता है, आपके इंटरनल कस्टमर से, आपके सैलरी वाले अगर बंदे हैं जो आपको ये सब सुझाव दे रहे हैं तो उनको भी अप्रिसिएशन का नोट देना चाहिए, उनको आपको मोटिवेट करना है ताकि उनको भी लगे कि यार वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग इन द बिजनेस, करेक्ट। और जो एक्सटर्नल कस्टमर्स है हमारे जो हमें पैसे देते हैं इनको भी आपको थैंक यू नोट देना है, इनको भी आप कोई ना कोई एक लकी ड्रॉ से गिफ्ट दे सकते हैं या स्मॉल टोकन ऑफ लव आप दे सकते हैं। अब देखिए अगर जितने ज्यादा आप इन डेटा को कलेक्ट करेंगे हो सकता है 200 500 1000 भी शायद आपके पास चिट आ सकती है, कुछ लोगों का भी ईमेल के द्वारा भी भेज सकते हैं ताकि वो उनको फीडबैक ईमेल करके रिप्लाई करे आपको। इसमें फॉलोअप तो रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपने ईमेल भेज दिया और इसको भूल गए तो नहीं होगा, आप अगर भगवान भरोसे रहे कि सामने वाला कस्टमर देगा लाके तो नहीं होने वाला, आपको इसको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन देखिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर 200-400 लोगों ने अगर इसको आपको लिख के दिया है तो आपका कंप्लीट बिजनेस एनालिसिस हुआ है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। जितना आप बिजनेस को जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर्स भी जानते हैं, इनसे सलाह जरूर लेना, किसी को भी अगर आप सलाह पूछते हैं तो वो फ्री में देने के लिए तैयार होते हैं, क्यों ना हम इस चीज का फायदा उठाएं। माय डियर फ्रेंड्स, और बेहतरीन तरीके से आपकी बिजनेस टिप्स मिलते रहेंगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है तो कमेंट में जरूर मुझे बताना जो आपको चीज पसंद आई है। वीडियो अगर लाइक किया है आपने तो जरूर इसको फॉरवर्ड करना, लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करने के बाद घंटे को जरूर दबाना है ताकि अगला वीडियो जो आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए जरूरी हो सकता है वो आपसे मिस ना हो, तो जरूर घंटे को दबा दीजिए। विल गेट द नोटिफिकेशन फ्रॉम अस। मैं विवेक रणवरे आपके बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हमेशा आपकी सहायता करूंगा, नीचे लिंक में काफी सारी चीजें मैंने आपको दी है। मैं फ्री में बिजनेस मास्टरी वर्कशॉप्स लेता हूँ,
फ्री, यस फ्री में बिजनेस मास्टरी वर्कशॉप लेता हूँ, जो दिन के पूरे दिन के वर्कशॉप्स होते हैं और ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अगला वर्कशॉप आपके शहर में या पुणे शहर में जहां कभी भी हो रहा है तो इसके लिए आप रजिस्टर करिए, नीचे दिए गए फोन नंबर पर फोन करके अपना सीट को बुक करिए, फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस को बढ़ाने का लाभ उठाइए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।